नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, सिंगोनियम एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी बहुत सारी वैरायटीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जिसके पत्ते पिंक, ग्रीन और एक तरीके से एक वाइट का टेक्सचर लिए हुए हैं। वहीं पर ये वाली जो वैरायटी है, इसमें देखिए जो न्यू लीव्स निकल के आती हैं उनके ऊपर कैसे पिंक कलर के डॉट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, और जैसे जैसे पत्ते पुराने होते जाते हैं ये ग्रीन कलर भी बढ़ता है और उसी के साथ साथ पिंक कलर भी बढ़ता है, और एक टाइम के बाद जो है ये पिंक कलर गायब हो जाता है और पत्ता पूरा इस तरीके से ग्रीन हो जाता है, बिल्कुल एरोहेड सिंगोनियम के तरीके से। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी मेरे पास एरोहेड जो है वो मैंने कटिंग लगा दी थी, वो मेरा बहुत अच्छा से अभी ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन ये दो मेरे पास जो है वो थोड़ा मैच्योर प्लांट हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास वाइट सिंगोनियम के दो प्लांट हैं और ये दोनों ही अलग हैं। इसके पत्ते देखिए पॉइंटेड हैं लेकिन कुछ गोलाई लिए हुए हैं, और इसके पत्ते देखिए पूरी तरीके से पॉइंटेड और बिल्कुल लंबे लंबे हैं। और ये छोटी वेराइटी है वाइट सिंगोनियम की और ये बड़े हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दो वेरीगेटेड सिंगोनियम के प्लांट हैं, ये भी दो अलग अलग वैरायटीज हैं लेकिन ये भी दोनों मिनिएचर सिंगोनियम हैं। इनके भी पत्ते देखिए कितने छोटे छोटे हैं। उसके बाद ये पिंक सिंगोनियम है, ये सिंगोनियम एल्बो है, और ये ब्लैकबेड सिंगोनियम है, और ये है आपका ब्लैक सिंगोनियम, या इसे जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ब्लैक मनी प्लांट भी बोल देते हैं, लेकिन ये ब्लैक सिंगोनियम का प्लांट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच सिंगोनियम ऐसे बताने वाला हूँ अपने इसी कलेक्शन में से, जो कि अगर आप अपने गार्डन के अंदर या फिर आप इंडोर अपने घर के इंटीरियर में एक यूनिक सा लुक देना चाहते हैं खूबसूरत से पॉट्स में लगा कर उनको, तो ये पांच वैरायटी जो है बहुत खूबसूरत लगेंगी। हालांकि सिंगोनियम की जो नॉर्मल वैरायटी होती है वो बहुत ही अच्छे से बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती है, अगर आप उसको लगा लेते हैं तो फिर बहुत जल्दी आपका पॉट भरा भरा सा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी से हटकर कुछ अलग चाहते हैं तो फिर आपके पास जो है सबसे पहला ऑप्शन ये वाइट सिंगोनियम ही बन के आता है। वाइट सिंगोनियम की जो दो वैरायटीज़ हैं इनमें से कोई भी अगर आप लगा लेते हैं तो फिर आपका जो इंडोर इंटीरियर है उसमें बहुत ही खूबसूरत लुक ऐड होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ये वेरीगेटेड सिंगोनियम के प्लांट। वेरीगेटेड सिंगोनियम में यहाँ पर देखिए ये पत्ते जैसे जैसे इसके नए निकलते हैं प्योर वाइट रहते हैं, किनारे किनारे ग्रीन कलर का एक टेक्सचर रहता है, और जैसे जैसे ये पत्ते पुराने होते जाते हैं ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते हैं। सेम प्रॉपर्टी इस प्लांट की भी है, इसमें भी नए पत्ते वाइट होते हैं और जैसे जैसे पत्ते पुराने होते जाते हैं ये ग्रीन में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो एक वैरायटी आपकी ये वाइट में मिलेगी और दूसरी वेरीगेटेड में। तीसरी वैरायटी थोड़ी महंगी है और रेयर है, ये एल्बो सिंगोनियम के नाम से जानी जाती है। इसमें जो नए पत्ते निकल के आते हैं वो येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होते हैं, और जब पत्ते पुराने हो जाते हैं तो वाइट और ग्रीन का एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बन जाता है इनके अंदर। इसे भी मैंने ऑनलाइन लिया था 169 या समथिंग ऐसे मुझे पड़ा था, तो ये बहुत खूबसूरत वैरायटी है, इसे आप ऐड कर सकते हैं। केयर सारे सिंगोनियम की लगभग एक जैसी है, मैंने इनको जब ऑनलाइन लिया उसके बाद प्योर कोकोपीट के अंदर मैंने लगाया और सिर्फ बासा कोट दिया, और कुछ दिन के बाद मैंने इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दी। अगली वैरायटी है पिंक सिंगोनियम। पिंक सिंगोनियम मेरे पास दो हैं, अभी तो मैं यहाँ पर जब लेके आया इसको तो सिर्फ मैं ये वाली ले आया, वरना मेरे पास इसकी एक वैरायटी है, उसके पत्ते थोड़ा बीच में गोलाई लिए और बिल्कुल जैसे हमारा एरोहेड सिंगोनियम होता है उस तरीके के पत्ते होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। और जब ये पुराना हो जाता है ना तो इसमें ग्रीन और पिंक का एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है, बिल्कुल चॉकलेटी सा सेफ कलर जो है वो निकल के आता है। अभी देखिए इसके अंदर से नीचे से एक न्यू पग भी निकल आया है, सेम तरीके से मैंने इसको भी रिपोर्ट करा है। तो ये चौथी वेराइटी आपके सामने थी। पाँचवीं है आपकी ये वेलवेट सिंगोनियम, ब्लैक वेलवेट सिंगोनियम। पता नहीं क्यों मेरे इस सिंगोनियम के कुछ पत्ते कर्ल हो रहे हैं, हालांकि जो ये नीचे से न्यू पप आया है इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पुराना वाला जो मेरे पास है इसके अंदर ये समस्या मुझे देखने को मिल रही है, वरना इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत से पत्ते निकल के आते हैं इसके। ये तो लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम अभी चल रही है इसके अंदर,
हो सकता है कि अब वेदर थोड़ा ज़्यादा ही अनुकूल हुआ है, तो ये ठीक हो जाए धीरे धीरे करके। बाकी आप 6 नंबर पे एज अ ऑप्शनल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप ये ब्लैक सिंगोनियम भी, ब्लैक ये सिंगोनियम का प्लांट जो है, या रेड सिंगोनियम जिसको बोलते हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ नीचे से, यहाँ पे इसकी जो है वो रूट बॉल, मतलब यहाँ पे स्टेम इसकी शुरू हुई थी, मैंने इसको घुमाकर यहाँ नीचे दबाया है। आई होप कि यहाँ नीचे से एक आध इसके अंदर फुटाव हो जाता तो ये मेरा पौधा थोड़ा घना हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है। अभी 3-4 पत्ते इसके अंदर नए आए हैं, लेकिन मुझे इससे और ज़्यादा उम्मीद है कि और जल्दी ग्रो कर जाए। तो ये 5 वैरायटी मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की, ये एल्बो, पिंक और ब्लैक वेलवेट, आप इन 5 सिंगोनियम को लगाइए, आपका गार्डन बहुत खूबसूरत दिखेगा। बाकी देखिए ये 2 वैरायटीज और कौन सी हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इनका क्लियर नाम नहीं पता। मैंने इनको कटिंग से लगाया है और ये मेरा ऑनलाइन आया हुआ था, इसे शायद चॉकलेट डॉट सिंगोनियम ऐसे कुछ करके बोलते हैं। खैर, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।